आबादी के पास तारकुल के एक प्लांट के विरोध में ऊना के पनौ के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने प्लांट के कारण अधिक बदबू और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव का आरोप लगाते हुए इसे किसी और स्थान पर स्थानांतरित किए जाने की मांग करते हुए प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक तारकोल का प्लांट इन दिनों लोगों के विरोध का कारण बना हुआ है। दरअसल लोगों के विरोध का कारण इस प्लांट का आबादी के पास होना है। लोगों ने इस प्लांट को किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट किए जाने का अनुरोध भी किया था, लेकिन उनके इस अनुरोध का प्रशासन पर कोई असर नहीं हुआ। लोगों की माने तो उनके द्वारा इस मामले पर ली गई आरटीआई का भी उन्हें कोई उचित जवाब नहीं दिया गया। ग्रामीणों का आरोप तो यहां तक भी है कि इस प्लांट के कारण क्षेत्र में सहनशीलता से भी अधिक बदबू आती है और क्षेत्र के बच्चे बुजुर्ग सभी बीमार हो रहे हैं। उनके स्वास्थ्य पर खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है, जिसने उनकी चिंताएं और भी बढ़ा दी हैं। जिले के पनौ गांव में बने इस तारकोल प्लांट पर यहां के ग्रामीणों का आक्रोश इस कदर भड़क उठा है कि अब ग्रामीणों ने इस प्लांट को नहीं हटाए जाने पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। इससे पहले उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। राजेश कुमार का कहना है कि इस मामले में प्रदूषण विभाग ने पंचायत की एनओसी होने का दावा करते हुए मामले की जांच किए जाने की भी बात की है। हमारा ये है जी ऑब्जेक्शन है, समझ लो कि यहाँ पर एक इलीगल लोक मिक्स प्लांट चल रहा है, जिसकी किसी भी प्रकार की एनओसी इनके पास नहीं है, ना प्रदूषण डिपार्टमेंट की है, ना ही हमारी ग्राम सभा की है। तो ये इलीगल चला रहा है, इसने पंचायत में समझौता भी किया, लेकिन ये फिर भी उसको बंद नहीं कर रहा है, धक्केशाही कर रहा है, जिसके साथ हमें इतना नुकसान हो रहा है कि हमारे जो हम तो मरे गए, हमारी उम्र पूरी हो चुकी है लगभग, लेकिन हमारे नौ निहाल जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, वो क्या पढ़ेंगे, खेतों में हमारे इसके साथ खेत है, वो काम कैसे करेंगे। हम इतनी बदबू और जहरीली गैस आ रही है, उसके लिए हमारी जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इस मतलब ऑक्सी गैस को बंद करे जा, क्योंकि इसके अंदर जहरीली गैसें हैं जिसके साथ कैंसर फैलता है, दमा फैलता है, फेफड़ों का नुकस होता है, गुर्दे सारा खराब हो जाते हैं। ये कम से कम भी इसको 2 किलोमीटर दूर चाहिए, ये तो इसने 200 मीटर लगा रखा आबादी से। हम पनो बलोड़ा के वासी हैं और हमारी ग्राम पंचायत पनो है, मैंने आरटीआई भी डाली थी, डीसी साहब को भी कंप्लेंट की है, उसका हमें अभी तक जवाब नहीं मिला। केवल यही है कि उन्होंने प्रदूषण बोर्ड को लिख दिया, प्रदूषण बोर्ड वालों ने हमें एक गोलमोल जवाब दिया है, उनके पास इनका रिकॉर्ड नहीं है, ये पढ़ के आपने को दे दिया, आपने लिख भी लिया और उन्होंने ये कहा कि आप शिमला से पता करो। तो ये किस लिए जहां उन्ना में प्रदूषण बोर्ड वाले किस लिए बैठे हैं? अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस जो है ना लगा हुआ लोक मिक्स प्लांट, इसको जहां से उठाया जाए बंद ही नहीं करवाया जाए, बल्कि इसको जहां से उठा के कहीं भी दूसरी जगह शिफ्ट करें ना करें, हमें इसकी जिम्मेदारी अपने गांव में लगा लें। देखो इनको 15 दिन का टाइम दिया था, उसने कोई सुनाई 15 दिन टप गए, कोई सुनाई नहीं की, ठीक है। और मैं गाँव के नाल खड़ी है, दिक्कत क्या आ रही है इस प्लांट से? जिदा घर बदबू, इनको खाना पीना इन लोगों का हराम हो गया, छोटे बच्चे पर असर है। इस मामले को आपने प्रशासन के समक्ष उठाया था? कद भी आज पहले भी कभी पहले 11 तारीख उठाया था, उसने कोई सुनाई नहीं की। अब आप क्या चाहते हैं इस मामले में? इस मामले चाहते मेरे गांव में साफ सुथरा गांव रहे और मेरे गांव पे उठाया जावे, बस।